हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आशा उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10:30 बजे से। मॉर्निंग के 10:30 बजे का टाइम है और अभी हमारा मतलब कुछ काम हो गया है, जैसे झाड़ू पोछा हो गया है, नहा धो के पूजा करके ब्रेकफास्ट भी हो गया है। अब मैं इस टाइम जा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए। उसके बाद ये डाइनिंग हॉल जो है इसमें झाड़ू पोछा नहीं हुआ, बाहर हो गया, अंदर हो गया। इसमें इस वजह से नहीं हुआ कि यहाँ पे मैं कल चक्की से गेहूँ पिसवा के लाए तो यहाँ पे आटे का कट्टा रखा हुआ था, कुछ तो मैंने इस वाली टंकी में डाल दिया है। ये टंकी 20 किलो आटा आता है इसमें, तो ये तो भर गई है। अब कुछ उस कट्टे में अभी बचा है तो उसके लिए मैंने दूसरी टंकी को धो के सुखाने के लिए रख दिया, उसमें डालूंगी। और उसके बाद फिर आटा डालो ना टंकी में तो वहाँ पे आटा आटा गिर जाता है, तो मैंने सोचा फिर दोबारा यहाँ पे लगाना ही है पोछा, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया कि बाद में ही लगाएंगे। तो अभी आज पिगू और प्राप्ति घर में है, आज इनका एग्ज़ाम है नहीं। कल गौरव घर में था, कल उसकी छुट्टी थी, आज उसका पेपर है, तो आज ये लोग घर में है, आज इनका पेपर नहीं है। तो क्लीनिंग हो गई है फटाफट करके, देखिए वॉशरूम मैंने कितना अच्छे ढंग से क्लीन कर रखा है, एकदम साफ सुथरा, एकदम साफ है। इस वाले वजह से ना यूज बहुत कम करते हैं, तो ये वाला ज़्यादातर से मतलब इतना गंदा नहीं रहता। और दूसरा वाला वहाँ नहाओ, कपड़े धुलो, अभी तक मैंने वहाँ का बाथरूम साफ नहीं किया। मैंने सोचा कि अब कपड़े धुलने हैं, उसके बाद पोछा भी होने लगा है तो यहीं पे छोड़ रखा है। ये बाहर वाला पोछा है, ये भी यहीं पे छोड़ रखा है। तो बहुत सारे कपड़े हैं, इनको धुलने के बाद तब यहाँ की होगी क्लीनिंग, फिर उसके बाद आटा डब्बे में रखूँगी, टंकी में, फिर इसकी भी होगी। और प्यू रानी को अगर लर्न नहीं हुआ, बदतमीजी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करती है, तकिया नीचे फेंक रही, अभी लर्न कर ले उसके बाद फिर मैं पूछूंगी। लोग बाल में आ रहे, हेयर बैंड लगा लो। और आज अच्छी धूप का लो, आज धूप बहुत अच्छी है। देखिए तो गाइस, फाइनली अभी मैंने कपड़े धुल लिए हैं, उनको छत में मैं फैला के आ गई हूँ। और टाइम देखो बाप रे, 12 बजने में ना 1 मिनट बाकी है, और अब जाके मेरे मतलब काम लगभग हुए, ख़त्म नहीं हुए, लगभग हुए 12 बजे। अभी देखिए सिंक की हालत देखिए, दाल मैंने अभी रखी है लेकिन अभी बॉयल नहीं की, एक सीटी लगा के मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं कल रात को ना दाल भिगाना भूल गई थी। तो मैंने अभी 11 बजे एक सीटी लगाई और छोड़ दिया। अब मैं 12:30 के करीबन उसमें 2-4 सीटी और लगाऊंगी और तब दाल मतलब जल्दी बन जाएगी। अभी ये वॉश बेसन एरिया भी साफ नहीं कर रखा, मिरर में भी बहुत ज़्यादा छिप्पे पड़े हुए हैं। और फाइनली कपड़े फैला के आई मैं, और ये टंकी मैंने धुली थी, लाइट खोलना, ये सूख गई है। अब इसमें आटा डालती हूँ और उसके बाद हॉल की भी मैं सफाई कर लेती हूँ, यहाँ पे आटा ही आटा गिर जाएगा। तो ये तो मैंने धुली नहीं दूसरी वाली, इसमें मैंने ऐसे ही आटा डाल दिया था सुबह ही, तो इसको नेक्स्ट टाइम धोऊंगी। और ये भी चावल थे इसमें, तो खाली पड़ी हुई थी, चावल इसके ख़त्म हो गए थे। अब चावल दूसरी वाली में रखे हैं, ऐसी 2 टंकी है मेरे पास, तो इसको मैंने धो लिया, सूख भी गई है। इसमें बचा हुआ आटा डाल देती हूँ,
और दोस्तों अभी 1:05 का टाइम हो रहा है। बाप रे, ये घर के काम ना कभी नहीं होते खत्म। और देखिए मेरी दाल खूब अच्छी तरह से खटक गई है, देखो। भाई दाल बनाई है मैंने गाँव की मिक्स दाल, राजमा रही, सोयाबीन भट्ट, बहुत सारी दालें हैं उसमें, तो मिक्स वाली दाल बनी है। पर आप अभी चावल कर रही है साफ, तो अब चावल बनेंगे। और कपड़े, सॉरी, वो बर्तन वगैरह जो मैंने मांजे थे ना, उनको भी मैंने सबको लगा लिया है सही तरीके से। अभी मैं बर्तन ही लगा रही थी यहाँ, और चावल बनेंगे अब। और अभी मैंने ये वॉश बेसन साफ नहीं किया, तो जब तक चावल बनते तब तक मैं इस पूरे एरिया को साफ कर लेती हूँ। उसके बाद तब तक 1:30 या 2 बज जाएंगे। और ये मैंने ये कट्टा धोना है, जो थैला जिसपे आए थे गेहूँ पिसवा के लाए थे जिसपे, तो पहले मैं साफ करूँगी अभी वॉश बेसन। तो पुराने जो बर्तन धोने के होते ना स्क्रबर, तो ये मैं रख देती हूँ बाथरूम में, आ जाते हैं ये काम सफाई करने के। तो इसमें थोड़ा साबुन या फिर थोड़ा सा सर्फ या फिर लाल वाला हार्प, इसको लगा के और फट फट करके वॉश बेसन को हम साफ कर सकते हैं। तो सिंकी एरिया है, तो ये घिसे पिटे जो होते हैं ना स्क्रबर, ये सफाई के काम के लिए खूब होते हैं। तो अभी मैं फटाफट करके इसको साफ कर लेती हूँ। साफ कर रही हूँ, साबुन क्यों लाए यहाँ पे जब हैंड वॉश है, साबुन से ही ज्यादा पी लिया नहीं मुझे।